तो गाइज आज भी स्वागत हो रहा है आपका ओल्ड मनाली से। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज जाने का प्लान है अटल टनल क्रॉस करने का। तो चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और यहाँ से कल्टी मारते हैं। तो भाई पिछले एक घंटे से ना गाड़ी रुक रुक के चल रही है और भाई ऐसे जाम में फंसे हुए हैं और अटल टनल के आगे अपनी गाड़ी नहीं जा पाएगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्नोफॉल जो हुई है ना उससे ना हैवी स्नो अभी भी है उसके रोड के ऊपर। तो भाई स्कॉर्पियो को ना पिकअप लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, उसके लिए अभी दीपक ने कॉल किया था। तो एक बार गाड़ी चेक करवाएंगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ चुकी है मनाली से सोलांग जाते टाइम। आराम से सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम आ चुके अपनी गाड़ी में सामान पैक करने के लिए। आज निकल रहे हैं ओल्ड मनाली से और भाई टेम्परेचर था सुबह -4 डिग्री ना -5 डिग्री सुबह और रात को गया -7 तक। बाकी भाई आज भी धूप निकल चुकी है, अच्छी वाली धूप निकल रही है आज भी, तो स्नोफॉल के तो कोई चांसेस है नहीं ना ऊपर ना यहाँ पे। तो पहले एक बार लगेज अपना सेट कर देते हैं उसके बाद रेडी होके निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये वाली स्टिक हमने यूज करी थी कल स्नो हटाने के लिए अपने टेंट से, बट ये बहुत ज्यादा लंबी है, आ नहीं रही है गाड़ी के अंदर, तो इसको काट लेते हैं, कुल्हाड़ी है अपने पास। परफेक्ट है, यही तो लेके आया था मैं इसलिए लकड़ी काटने के लिए। हाँ वैसे भी अगर स्नोफॉल होगी तो ये हटाने के लिए ही काम आएगा ना, पूरे टेंट पे जम गई थी भाई कल स्नो। ये वैसे भी यार अगर वाइल्ड में जाते हैं ना, वाइल्ड कैंपिंग करते हैं, हाँ तो उसके लिए भी सही है, कोई सेफ्टी पर्पस है ना। हाँ एक्स तो होनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, मस्त है एक नंबर। तो ये अभी मैं वीडियो लगा रहा हूँ अपलोडिंग पे और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यूज़ क्या कर रहे हैं हम, ये देखो डायलेंस कॉफ़ी जहाँ पे हमने कल कनेक्ट किया था, ये देखो ये है सामने, तो भाई इसी का यूज़ करते हैं। अभी कॉफ़ी शॉप ओपन नहीं हुई है बट हमको करना है अपना काम, तो भाई अब क्या करें, नेटवर्क यहाँ तक पूरे आ रहे हैं तो इसलिए यहीं से अपलोडिंग लगा देते हैं, तो अपना काम बन जाएगा, गाड़ी में ही छोड़ देंगे लैपटॉप को थोड़ी देर। चलो ठीक है इसको अपलोडिंग लगाता हूँ और फिर बाहर चलते हैं, ठीक है। बंद रहना चाहिए खुला वाला, थोड़ा वो दो लूज दो क्योंकि अंदर भी मैंने पजामी डाली हुई है, ज़्यादा वो टाइट हो जाएगी थोड़ी और बड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वन सेकंड, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज भी स्वागत हो रहा है आपका ओल्ड मनाली से। अभी हम यहां से निकल रहे हैं, आज जाने का प्लान है अटल टनल क्रॉस करने का, बट सुबह की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अटल टनल ओपन है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो अभी टाइम हो चुका है भाई 11 बज चुके हैं, तो अगर हम आज पहुंच पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कल जाएंगे अटल टनल और उससे पहले जहां भी हम पहुंच पाएंगे वहां स्टे कर लेंगे, और अगर कैंपिंग का पॉसिबल होगा तो आज कैंपिंग भी जरूर करेंगे। और दूसरा हाँ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, अगर आपको अटल टनल जाना है अगर उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो FB पे एक पेज है लाहौल पुलिस का, तो उसको फॉलो कर लो, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि अटल टनल कितने बजे से कितने बजे तक खुली होती है, कब उसको बंद कर रहे हैं, कब उसमें मैनेजमेंट का काम चल रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाती है। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से रैप अप करके, ठीक है। तो अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो भाई यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, दीपक क्या क्या बनाया आज ब्रेकफास्ट में, क्या है आज चाय और है ये मैगी। ओह अपनी मैगी रेडी होगी, कल हमने मैगी नहीं खाई थी, आज दूसरी बार खा रहे हैं, मतलब परसों खाई थी और आज खा रहे हैं, और इसके बाद चाय भी रेडी होगी ना। चाय रेडी है, तो चाय पीते हैं मैगी खाते हैं और यहाँ से कल्टी मारते हैं। और भाई अपनी वीडियो की अपलोडिंग हो चुकी है तो वीडियो आ जाएगी 7 बजे, बाकी इस बेड को मत देखो बहुत ज्यादा मैस्ड अप है, क्योंकि सामान अब हमने आधा से तो लगेज वगैरह तो रख दिया गाड़ी के अंदर, ये कुछ सामान रह गया इसको भी अभी पैक करके और गाड़ी में डालेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, कल्टी मार लेंगे यहाँ से ओल्ड मनाली से को करेंगे बाइक। और न्यू ईयर पे आ रहे हैं हम वापस मनाली, ट्राई रहेगा कि मनाली वापस आएंगे हम न्यू ईयर पे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे मनाली के अंदर, फिर उसके बाद घर। तो अभी 5-6 दिन और है हम यहाँ पे, तो एंजॉय करो, फुल ऑन एंजॉय करो अपने ट्रैवल व्लॉग्स। चलो फिर मिलते हैं अपना ब्रेक। तो गाइस हमने कर दिया अपना सामान का पैकअप सारा और यहाँ से निकल रहे हैं, जैसी टेबल थी इस पर कुकिंग करी थी तो उसको वैसे ही कर दिया है, बाकी हमने सारा कचरा डाला इसके अंदर, इसको ले जाएंगे और डाल देंगे डस्टबिन के अंदर, अपना लगेज हो गया रेडी और अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई सारा सामान ले आए अपना और गाड़ी में डालते हैं और निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, गाड़ी गंदी बहुत हो रही है, एक बार कपड़ा मार लूँगा। भाई ये देख लो बिल्कुल पानी ऐसा हो गया जैसे फ्रीजर में रख दिया हो, अंदर जम गया बर्फ, ये गाड़ी में रखी छोड़ दी थी बोतल हमने, और देखो धूप निकल रही है, सुबह -4 डिग्री टेम्परेचर था, रात में -7, उसकी वजह से हाल ही हो गया, देख लो इस लेवल की ठंड है यहाँ पे।
अब हम निकल चुके हैं मनाली से और ड्राइविंग पे है निशांत। जय में भाई पूरा मनाली पैक है पैक। न्यू ईयर में तो फुल ऑन जाम हो जाएगा, अभी तो फिर भी कम है क्राउड भाई, पब्लिक पागल हो रखी है मनाली के लिए। बहुत तगड़ी भीड़ हो जाएगी मनाली। ईयर एंड पे आना ना बहुत बड़ा टास्क है भाई, बहुत बड़ा टास्क भी है और बहुत ज्यादा फन भी है न्यू ईयर पे आना। यहाँ पे मजा न्यू ईयर पे ही है यार भाई। मनाली की गलियों में जाम को देखते जाओ क्या हाल है। इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया भाई, ऑटो में जो लोग बैठे हैं कह रहे नहीं हमें नहीं जाना मनाली, लास्ट मोमेंट पे आके भाई इन्होंने गिवअप कर दिया। देखो सामने पूरा पर्वत है ना, जो वो स्नो की वजह से पूरा ढक चुका है और अल्टीमेट वाला व्यू आ रहा है भाई। इसको क्रॉस करके जाना है हमें, इसको आज क्रॉस कर देंगे निशांत कैसे भी ना। ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि आज अटल टनल के पार ही चले भाई। हम निकल चुके हैं ओल्ड मनाली से, गुड बाय मनाली एंड लेट्स वेलकम इन शिशु। यस होप सो। सोलांग वैली लगाया तूने? अटल टनल शिशु का दिखा रहा है 1 घंटे 47 मिनट। पूरा रास्ता ब्लॉक है भाई, लाइन में लगा रखी हमने। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बढ़ाएंगे अपनी भी। तो भाई पिछले 1 घंटे से ना गाड़ी रुक रुक के चल रही है और करीबन 1-1.5 घंटा और ऐसे ही चलेगी और शाम तक पहुंचेंगे। इस हिसाब से तो रात हो जाएगी ना इस हिसाब से। हाँ दीपक को घबराहट थोड़ी ज्यादा हो रही है, पहुंच जाए बस किसी हिसाब से। बाकी ये चश्मे लगा लेता हूँ, स्नो ज्यादा दिख रही है मुझे। ओके की बेड़ा ब्रो की बेड़ा। यह स्नो कल जैसे यहाँ स्नो परसों हुई है ना स्नोफॉल, तो परसों इन पेड़ों पे भी स्नो होती है और आज जो 2 दिन धूप निकली है ना तगड़ी वाली, इनसे हट गई और ऊपर पहाड़ पे दिखाई दे रही है बस हमें। बाकी भाई मनाली में बहुत मजे करे हमने, 2 दिन मनाली में रुके हैं हम, 1 दिन हमने कैंपिंग करी है और 1 दिन हमने स्टे किया था। और रेगुलर व्लॉग्स अपने आ ही रहे हैं तो ऐसे ही रेगुलर व्लॉग्स अपने आते रहेंगे और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे अपने वीडियोज के साथ। और अभी तो हम यहाँ पे 4-5 दिन और हैं, तो शिशु जाएंगे आज, तो हम शायद सोलांग ही रुकने वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब का जाम है ना उस हिसाब से हम सोलांग तक ही पहुंचेंगे। अटल टनल तो मुश्किल ही आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो गुड़गांव वाले हमें मिले थे जब हम आ रहे थे चंडीगढ़ से, थोड़ा आगे थे हमारा होटल, वहां से जब हम निकले थे इसके लिए मनाली के लिए, तो जो हमें बीच में मिले थे ना उनका फोन आया हमारे पास, वो कल भी गए थे सोलांग, कल वो पहुंच नहीं पाए टाइम से। आज वो गए हैं तो उन्होंने एंटर तो कर लिया पर आगे कह रहे 4x2 को जाने नहीं दे रहे। तो देखते हैं अगर हमारी गाड़ी अटल टनल के बाहर जाएगी, आगे जाने देंगे तो ठीक है, अगर नहीं जाने देंगे तो 4x4 करेंगे है ना। टैक्सी है, लोकल टैक्सी करेंगे। पर भाई कैंपिंग तो आज शायद हम सोलांग में ही करें और अटल टनल के आगे अपनी गाड़ी नहीं जा पाएगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी क्योंकि स्नोफॉल जो हुई है ना उससे ना हैवी स्नो अभी भी है उसके रोड के ऊपर, तो जिसमें 4x4 की रिक्वायरमेंट है, बिना 4x4 के दिक्कत आ जाएगी वहाँ पे, और हमारे पास स्नो चेन भी नहीं है तो हम रिस्क भी नहीं ले। देखो भाई एक चीज दिखाता हूँ, तो मैंने इससे कही थी बुढ़िया के बाल ले ले और देख इतनी देर में मैं यहाँ बस चेक कर रहा था कुछ अपने फोन पे और निपटा दी और भाई खाते खाते क्या कह रहा है, 1 नंबर की बेकार चीज है ये। नहीं सही है, बच्चों के मतलब की चीज है, बाकी भाई मैनेज नहीं है। अब की बार आया वो ले ली उससे, हद हो गया यार दीपक भाई, ऐसे जाम में फंसे हुए हैं और ना तो दीपक कुछ खाने के लिए दे रहा है मेरे को और ड्राइविंग पे ही फोकस है मेरा। आगे निकल जाएगी पर दिक्कत हो जाएगी आपको, देख आगे सोलांग वैली। हो भाई दिक्कत कर दिया तूने यार आज। 5 किलोमीटर पैदल है भाई, परेशान हो गए यार, भूख और लगाई थी, पर भुट्टा ले ले यार एक। कर तो दिया ऑर्डर यार, ये तो हवा लगा रहा है भाई उसे। 1T2 मट्टी 1T2 मट्टी कहाँ है? 1T2 मट्टी ऑर्डर करेंगे अभी, पहले भुट्टा खाएंगे फिर 1 किलोमीटर बाद 1T2 मट्टी खाएंगे। इंजॉय करो, इंजॉय द भुट्टा। सो गाइस ये वाली लाइन पढ़ो आप पहले, एक्सीडेंट ब्रिंग्स टीयर्स एंड सेफ्टी ब्रिंग्स चीयर्स। I like it. ये BRO ने लिख रखी है दीपक, BRO का ये सारा रोड यार बॉर्डर पे जा रहा है ना चाइना तक, बॉर्डर रोड से भाई। तो भाई यहाँ से अभी आधा घंटा और लगेगा हमें, करीबन रह गए 4-5 किलोमीटर पर आधा घंटा दिखा रहा है अभी गूगल मैप पे। बाकी आप सुनो यहीं से देखनी शुरू कर दो ये रही, क्योंकि आपका यहीं से मूड बनेगा, जब आगे जाके आपको एक अलग से अनुभव महसूस होगा हमारे वीडियो में। ये 2 दिन की जो धूप निकली है ना उसकी वजह से मेल्ट हो गई है, इसलिए अब यहाँ कम रह गए। कल तो यहाँ पूरे पे थी स्नो, रास्ते ही बंद हो गए थे, रास्ता ही ब्लॉक हो गया था, पूरे पे स्नो फॉल हुई है।
रोड तक जाम लगा हुआ है, खतरनाक ही जाम है। पूरे दिन जाम में फंसे रहे हैं आज तो यार, पूरे दिन निकल गया जाम में ही, रात को ही पहुंचेंगे। नजारे एक नंबर के आ रहे हैं, पर धीरे धीरे दिखने शुरू हो गई है। बस हमें कैंपिंग की बढ़िया लोकेशन मिल जाए, मजा आ जाएगा। मजा तभी आएगा भाई। भाई एक नंबर व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 1x में और 3x में भाई, ऊपर बादल है और स्नो, अल्टीमेट स्नो। कुछ कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम तुंगनाथ चोपटा गए थे, हमने ट्रैक किया था जो ऊपर जाके, बिल्कुल ऐसा व्यू नहीं था ऊपर से। अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट मजेदार, आंखों को भाई तसल्ली बढ़ रही है, पूरी फुल तसल्ली बढ़ रही है व्यू देख के। जब स्नोफॉल जा हुई हो ना, स्नो के साथ सनलाइट पड़ रही हो तो गॉगल्स लगाने चाहिए, अदरवाइज आंखों में दिक्कत आ जाती है। गाड़ी लोड ले रही है अब तो ठीक चल रही है, अभी एक बार दोबारा चढ़ाऊंगा, थोड़ी सी रुकेगी ना गाड़ी, रुकती है ना, हिल हिल के चल रही है बिल्कुल, पता ना क्लच में जो दिक्कत आई है उसकी वजह से या क्या, पर दिक्कत आ गई है स्कॉर्पियो के अंदर, दिक्कत आ चुकी है। मुझे भी यही लग रहा है कि भाई इसी क्लच प्लेट ना, भाई गाड़ी में इसी क्लच प्लेट लोड मान गई है ज्यादा, क्योंकि स्टीप चढ़ाई है बिल्कुल, और अब पिछले 2 घंटे से हम जाम में चल रहे हैं भाई। पहले गियर में चलती है गाड़ी तो दिक्कत आती है, पूरी बबलिंग सी ले रही है गाड़ी, दिक्कत आ चुकी है। देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं, खड़ी ओपन करेंगे चाहे रुकेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे, आस पास कोई मैकेनिक होगा ना तो उसको एक बार दिखा लेंगे, क्योंकि दिक्कत आ रही है कुछ इसमें क्लच की। तो भाई स्कॉर्पियो को ना पिकअप लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, उसके लिए अभी दीपक ने कॉल किया था महिंद्रा का, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है सर्विस सेंटर का मनाली की सोलांग वैली में, तो अभी हमारे पास दोबारा से कॉल बैक आता है तो एक बार गाड़ी चेक करवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम आ चुकी है मनाली से सोलांग जाते टाइम। मतलब कि ये देखो ऐसे ले रहा हूँ ना, पिकअप लेने में गाड़ी उठ नहीं रही, एक बार पिकअप पकड़ रही है उसके बाद सही चल रही है, पर पिकअप लेने में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए अभी हमने कॉल किया है, एक बार आ जाए मैकेनिक अगर जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ एक बार इसको चेक करा लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मनाली आके ही हमें चेक कराना पड़ेगा आते टाइम। तो भाई गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क, और एक बार सामने कैफे है उधर, वहाँ पे जाके एक बार पता करते हैं, अगर कोई स्पेस मिल गया तो ठीक है, गाड़ी को लगाएंगे और अपना कैंप सेटअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोड ही है पूरा अटल टनल तक, ऊपर नहीं जा रहे हैं ना, गाड़ी में दिक्कत आ गई, ऊपर नहीं लेके जा रहे भाई। हाँ उसने बोला रोड असिस्टेंट वाले ने कि भाई तुम नीचे आओ जितना हो सके, हाँ ऊपर नहीं जा रहे, नहीं तो टो करके ले जानी पड़ेगी गाड़ी। तो जी कैंपिंग के लिए एक लोकेशन फाइनल करी हमने, इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लैक आइस हो रखी है। तो भाई वो आ रही है अपनी स्कॉर्पियो, ये देखो भैया लेके आ रहे हैं जिनका ये जगह है ना कैंपिंग वाली, उन्हीं को दे दी मैंने गाड़ी, दीपक बैठा हुआ उनके साथ ही। भैया आराम से, ओए तेरी भाई रे, ओ भाई खींच देते तो सीधी मार देता, रुकती नहीं है तो सीधी मार देता, भाई मैं ही उतार लेता, इससे बढ़िया तो मैं तो होटल वाले को दी थी इस चक्कर में। यार इतनी इतनी तेज दौड़ना चलाते हैं ब्रो, हैवी है। क्या बात कर रहे हो, अरे वो ऐसे जैसे गई ना साइड में से निकल के, वो मेरे को लग रही थी उसमें लग जाती दीवार में कॉर्नर वाले हैं। चलो यार थैंक यू भाई। तो भाई कैंपिंग की लोकेशन अपनी आज की ये, और कैंप को जल्दी से अनरैप करते हैं और अपना कैंप सेटअप करते हैं, और बाकी ये होटल है ठीक है, वॉशरूम वगैरह के लिए हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे कैंपिंग, ठीक है दीपक? कैंपिंग भाई -20 की कैंपिंग होगी आज की, नेक्स्ट लेवल भाई, कोई नहीं कर पाया होगा -20 में कैंपिंग जो हम करेंगे, बट हमारा टेंट हमारा कामयाब हो जाए बस -20। आज रात को बस स्नोफॉल हो जाए मजे आ जाएंगे भाई, कल रात को भी हुई है थोड़ी बहुत, रात को हुई आज भी हो सकती है भाई, कह रहा था अभी इस टाइम ना -5 degree टेम्परेचर में दिखाता हूँ, और रात को कह रहा है -20 तक जाएगा, -4 degree अभी, -4 degree है और अटल टनल से जस्ट 5 kilometer पहले हैं। चले काम को जल्दी से अनरैप करते हैं अदरवाइज रात हो जाएगी, वो टाइमलेस लगाते हैं, और भाई हमारे सर्वाइवल के लिए पूरी वीडियो देखते रहो एंड तक हम कैसे सर्वाइव करते हैं -20 में, बस भाई हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करो, मजा आएगा।